Assalamualaikum, मैं हुसानिया आलम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज आई बिलीव देर आर सो मेनी प्लेसेज दैट आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड इन पाकिस्तान. बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ हम जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं. स्पेशली वो लोग जो कि ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए आज बहुत अच्छा इवेंट एक अरेंज कराया गया है पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में. यहाँ मुख्तलिफ टूरिस्ट कंपनीज आई हुई हैं जो कि टूरिज़म को प्रमोट करी हैं पाकिस्तान में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई हैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए. जैसे कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते जगहों पर ट्रैवल करना, काफ़ी सारे इशूज़ आते हैं, कभी सिक्योरिटी इशूज़ आते हैं, कभी परमिशन नहीं मिलती. तो जानते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ लेके आई हैं सारी टूरिस्ट कंपनीज़ और क्या एक्टिविटीज़ आज हो रही हैं. स्टॉल पे हूँ जिसका नाम है साया और बेसिकली ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टॉल लग रहा है. यहाँ पे बाइक्स खड़ी हुई है, ये भी और एक ये भी बाइक खड़ी हुई और बड़ा एक एडवेंचरस लुक है. इनसे बात करते हैं कि क्या पैकेजेस लेके आए. अस्सलाम वालेकुम सर. सर क्या पैकेजेस लेके आए हैं आज आप? हम अपने डोमेस्टिक टूरिज़म के लिए यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस लेके आए हैं. हम ज़्यादातर जो है ना गिलगित बल्तिस्तान और छतराल वगैरह के जो है ना टूर करवाते हैं. तो अपकमिंग जो समर में है हमने फैमिली टूर के लिए और दूसरे टूर्स के लिए हमने पैकेजेस लेके आए हैं. तो हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है ना बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक टूरिज़म जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएंगे और हम उनको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से सर्विस देंगे और फैसिलिटेट करेंगे. हम अपने जो स्कूल के और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों की तरह समझ के ही टूर करवाते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी टूर हुए हैं इतने ज़्यादा टूर हमने किए गिलगित बल्तिस्तान के कि आप यकीन करें कि अभी जो ना आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए बहुत सारे इवन चैलेंजेस भी होते हैं लेकिन इवन देन हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर जो ना उनको सर्विस प्रोवाइड करें. अच्छा सर मुझे बताएं जो पाकिस्तान टूरिज्म डायलॉग है इसका मकसद क्या था और आपके नज़रिए में इसके क्या आउटकम्स होंगे, क्या रिजल्ट होगा इसका? पाकिस्तान टूरिज्म डायलॉग का जो मकसद था कि जितने भी टूरिज्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बिठा के इनकी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो इसकी बेटरमेंट हो सकती है उस बारे में जो है वो हम तीन दिन से डिस्कशंस हो रही हैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से मुख्तलिफ पैनल से. तो इसका आउटकम ये होगा कि जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह उसको सॉल्व करना है और इन्वेस्टर्स को कैसे हमने इस तरफ माइल करना है क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का ये सबसे ज़्यादा जो कंसनट्रेशन है वो टूरिज़म डिपार्टमेंट में है. ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिज्म डिपार्टमेंट जो होता है ऑयल इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है. तो अब पाकिस्तान में इस वक्त टूरिज्म में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. स्पेशली मैं अपने डिपार्टमेंट की बात बताऊँ TDCP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब हम ऑलरेडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म. माई नेम इज़ आयस शिगरी, आई एम प्रेजिडेंट ऑफ बल्तिस्तान एसोसिएशन ऑफ एडवेंचर टूर ऑपरेटर. अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये स्टॉल जो है बल्तिस्तान एसोसिएशन ऑफ एडवेंचर टूर ऑपरेटर का है. बेसिकली यहाँ टूरिज्म पे आने का मकसद ये है कि बल्तिस्तान के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना क्योंकि बल्तिस्तान इज़ अ न्यू मार्केट ऑफ द टूरिज़म इंडस्ट्री. तो बहुत लोगों को हंजा के बारे में पता है, गिलगित के बारे में पता है, बल्तिस्तान के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो हमने कोशिश की कि यहाँ आके हम बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करें. तो बल्तिस्तान में आपको वहाँ पर डेजर्ट भी मिलेंगे. आप सोचेंगे पहाड़ों की बात हो रही है तो डेजर्ट कहाँ से आ गया, आपको वहाँ पे डेजर्ट भी है, दरिया भी मिलेगा, आपको बर्फ़ भी मिलेगी, पहाड़ भी मिलेगा. तो सब कुछ वहाँ वैरायटी जो अल्लाह ताला ने टूरिस्ट को देखने के दिया है वो वहाँ के वहाँ मिलेगा. अभी तक उससे पहले हम सिर्फ दोस्त एक सीज़न पे काम कर रहे थे, समर पे काम कर रहे थे लेकिन अभी हमारे पास 4 सीज़न है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं. जब आपका सीज़न शुरू होता है ऑटम में हम काम करें, जब सीज़न क्लोज होता है ब्लॉसम का आ गया, समर आ गया, विंटर आ गया, तो हम ये 4 मौसम पे काम करें. तो आने वाले टूरिस्ट के लिए हमारे पास 4 सीज़न सारा साल टूरिज़म के जो मौके हैं वहाँ पर टूरिस्ट वो आ सकता है, उसको वहाँ पर आके इंजॉय कर सकता है. मैं बड़े एक रंगीन स्टॉल पे हूँ. यहाँ पे ना कपड़े हैं और ज्वेलरी है जो कि KPK के कल्चर को रिप्रेजेंट करे और चल के इनसे बात करते हैं कल्चर का क्या रोल है टूरिज्म में. अस्सलाम वालेकुम अंकल. अंकल मुझे बताएं कि आज ये टूरिज़म का एक इवेंट हो रहा है तो यहाँ पे कल्चरल रिप्रेजेंटेशन का क्या रोल है, मतलब जब टूरिस्ट आता है तो ये कल्चरल चीज़ें जो हैं क्या रोल प्ले करती हैं? ये हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है KPK वाला. ये हमारे पाकिस्तानी पंजाब सिंध सरहद बलोचिस्तान 4 सूबों में लोग बहुत पसंद करते हैं. इसके अलावा जो टूरिस्ट आते हैं ये भी बहुत पसंद करते हैं. हम कोशिश करते हैं इस तरह कि अच्छे अच्छे स्टॉल लें और अच्छे अच्छे नुमाइश में हिस्सा लें कि लोग ये हमारे कल्चर को अपनाएँगे.
व्यूअर्स, आज हमने डिफरेंट टूरिस्ट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात की और जाना कि किस तरीके से वो टूरिज्म को पाकिस्तान में प्रमोट करें। अब हम पब्लिक व्यूज लेंगे और उनसे जानेंगे कि ऐसे इवेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। कैसा लगा आज का इवेंट? इट वाज रियली गुड। इट वाज बेसिकली अ 3 डेज इवेंट। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया। आई गॉट टू नो अबाउट मैनी पीपल, व्हाट्स हैपनिंग, सो इट वाज रियली गुड ओवरऑल। आपकी नज़र में इतने ये जो इवेंट्स होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में, क्योंकि इतने फ्रीक्वेंटली हो नहीं रहे होते, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक्चुअली आई गेस द टूरिज्म बीइंग द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान, दीज काइंड ऑफ इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन द ओनली थिंग लैकिंग इज जो आपने गैप ब्रिज करना है ना आवाम के बारे में, जिन तक आप अपना फीडबैक, मतलब जिनको अवेयर करना चाहते हो, अगर वो नहीं इतने ज़्यादा आ पाते तो मुझे ये थोड़ी सी चीज़ लैकिंग लगेगी। लेकिन अदरवाइज इट्स वेरी गुड फॉर लाइक शो केसिंग, लाइक यू सी ऑल द बिजनेसेस एंड डूइंग मेनी डिफरेंट थिंग्स। सो ओवरऑल आई गेस इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड देर कुड हैव बीन मोर पीपल, मोर ऑडियंस दैट कुड हैव रीच्ड द इवेंट आई गेस। सर, कैसा फीडबैक रहा आज पब्लिक का? ज़बरदस्त इवेंट, काफ़ी बेहतरीन रहा। और जिस तरह आप देख रही हैं कि माहौल अच्छा बना हुआ है और डिफरेंट लोग आए हुए हैं, विज़िट कर रहे हैं, और स्पेशली बलूचिस्तान के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि हमारा सुबह, आपको पता है कि काफ़ी निगलेक्ट रहा है, लेकिन ये इवेंट जब हुआ है तो इसमें हमें काफ़ी इन्होंने जो ये बेहतर काम किया है कि USAID वालों ने जो है ना हमें रहनुमाई दी है, हमारे स्टॉल्स पर डिफरेंट लोग आए हैं, जानने की कोशिश की हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी हमें कहा है कि वो विज़िट करना चाहते हैं और आना चाहते हैं। जैसे आप देख सकती हैं पीछे के ये सारे वो लगे हुए हैं हमारे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया लोगों का और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लोग आए, उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में पूछा है, हमारे डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में, पिकनिक पॉइंट्स के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, तो हमारे पास काफ़ी अच्छे जो हैं फीडबैक भी आए हैं। अभी बाइकर ग्रुप था, उन्होंने भी अप्रोच किए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा रहा। मेरे साथ फर्स्ट क्लास पॉलिटिशियन नायाब अली मौजूद है, इनसे बात करते कि आज ये क्या रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू ये जो डायलॉग हो रहा है, वी आर वेरी प्राउड टू हेयर कि फर्स्ट टाइम के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्पावर किया जा रहा है, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एम्पावर थ्रू टूरिज्म भी हो सकती है। 2.7% GDP में टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एंड आई थिंक कि ट्रांसजेंडर भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें बिल्कुल इंक्लूजन होनी चाहिए। टूरिज्म कैसे ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट को आप जो कह रही हैं किस तरह प्रमोट कर सकता है? कि जो टूरिज्म है, टूरिज्म जो है जॉब स्पेसेस बना सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनली भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मंसूब की जाती हैं, लाइक सेक्रेड प्लेसेस हैं। अगर कुछ सयाह पाकिस्तान में आते हैं तो उनके एंटरटेनमेंट, जो सकाफ़ती ताइफे हैं उसमें, आप जहाँ पे ख़वातीन और मर्दों हज़रात को शामिल किया जाता है, वहाँ पे रवायती डांस के लिए, रवायती कल्चरल रक्स के लिए ख्वाजा सरा कम्युनिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत सी जॉब्स दी जा सकती हैं। मेरे साथ यंग ऑर्गेनाइजर्स आज हैं, जिनका जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस इवेंट के लिए, उनसे बात करते हैं कि क्या रोल है पाकिस्तान टूरिज्म डायलॉग का, क्या मकसद था? मकसद ये था कि लोगों को टूरिज्म, लाइक लोकल को, हमने समिट में देखा था कि इंटरनेशनल लोग आए, उन्होंने बताया कि लाइक बाहर के लोग पाकिस्तान में आए, इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान लोकल ऑडियंस को भी अट्रैक्ट किया जाए कि वो बाहर जाके, लाइक हमारे से जो इतने भी नॉर्दर्न एरिया है वहाँ जाके टूर वगैरह हम घूमें फिरें, उसको इन्जॉय करें, उसको देखें, बिकॉज जब हम नहीं जाएंगे तो बाहर का बंदा क्यों आएगा, हम अपने एम्बेसडर खुद बने एज एन बाइक लोगों के लिए। और यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी बात ये भी थी कि हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पा रहे थे, वहाँ पे हमारे से क्वेश्चनिंग हो रही थी, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हम लोगों से, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। और इसमें जितनी बुराइयाँ थी समिट में, हमने देखा कि सिर्फ अच्छाइयाँ हाईलाइट की गई कि यार ये इतना अच्छा, ये वो बताया जाए कि गलत साइड भी है, ताकि उसको बेहतरी के लिए किया जा सके, तो इसमें ये एक बड़ी अच्छी बात थी। सो फाइनली दिस इवेंट कम्स टू एन एंड। जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, जहाँ बहुत सारे खूबसूरत शहर हैं, यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो अपनी कंट्री से प्यार कीजिए और पाकिस्तान को ट्रैवल कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। उम्मीद है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।